योगी सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के निवासियों को विभिन्न विकासात्मक और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए एक नई डिजिटल मीडिया नीति प्रस्तावित की है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इस नीति की आलोचना करते हुए इसे सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का प्रयास बताया है। नई डिजिटल नीति पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। यही है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सच। अखिलेश यादव का कहना है कि ये पॉलिसी तरफदारी करने के लिए भाजपा की ओर से दी जाने वाली घूस है। करतूतों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा सरकार नए जमाने में चारण पैदा करने और चरणों में पड़े रहने वालों के लिए ये काम कर रही है। दरअसल राज्य सरकार नई डिजिटल नीति के तहत फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली लोगों और खाता धारकों को सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए उनके अनुयायियों और ग्राहकों के आधार पर प्रति माह 8 लाख रुपए तक का भुगतान करेगी। हालांकि नीति में राष्ट्र विरोधी, अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री बनाने के लिए भी दंड शामिल है। यूपी सरकार के अनुसार अगर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड की जाती है तो वो सोशल मीडिया ऑपरेटरों, प्रभावशाली लोगों और फर्मों या एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित नोट में कहा गया है कि फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने के मामले में संबंधित एजेंसी या फर्म के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। किसी भी परिस्थिति में सामग्री अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होनी चाहिए। डिजिटल मीडिया नीति में सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें अकाउंट होल्डर, ऑपरेटर या इन्फ्लुएंसर के लिए अधिकतम मासिक भुगतान 2 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक का है। नीति का उद्देश्य राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित सामग्री, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना भी है। भाजपा ने नई नीति की प्रशंसा की तो वहीं विपक्ष ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा एक अभिनव कदम के रूप में नीति की प्रशंसा की, दावा किया कि वो रोजगार पैदा करेगा और सोशल मीडिया पर अफवाहों के प्रसार को रोकेगा। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। उनका कहना है कि यूपी की सोशल मीडिया नीति पूरे देश में एक मिसाल बनेगी।